गुड इवनिंग आप एक बार फिर से मेरे साथ हैं अन अकेडमी के इस एक अनक चैनल पे एक नए चैनल पे अपने चैनल पे दोस्तों सो so, इस चैनल का नाम आप लोग जानते हो दोस्तों तो मैं सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके लेटेस्ट और नए ज्योग्राफी वन ओ के ऊपर जो इंडिया का नंबर वन चैनल जो है वो हमें बनाना है दोस्तों और मैं बहुत ही इस चीज के लिए कमिटेड हूं और मैं पूरा का पूरा मुझे विश्वास है कि अगर आप और हम साथ रहे तो दोस्तों वेरी सुन दिस चैनल इज गोइंग टू बी द नंबर वन चैनल ठीक है नंबर वन चैनल जो है हमारा बहुत जल्द ये बन जाएगा बस आप लोगों के साथ की जरूरत है सो so, अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ना दोस्तों दिस इज अगेन विंड विच इज नॉन इज द डॉक्टर विंड है ना जैसा नाम से आपको प्रतीत हो रहा है डॉक्टर का मतलब क्या होता है क्या यह हवा डॉक्टर हवा है ठीक है कैसी डॉक्टर है कौन सी डॉक्टर है एमबीबीएस वाली है या गांव में मैंने बताया था झोड़ा छाप टाइप मैंने बताया था ना मेरे गांव में भी एक डॉक्टर है है ना सी जन चाल रहा है है ना फेमस है दोस्तों वो सी जन चाल रहा है के नाम से सो so, ठीक है उसी पे बात कर लेते हैं आज और एक नई विंड के बारे में बात करते हैं दिस इज गोइंग टू बी नॉन ऑज डॉक्टर विंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स नोस अबाउट द सीजन चाल रहा है काफी लोग इस बीमारी से परिचित होंगे कि सीजन चाल रहा है बीमारी जो डॉक्टर है वो कौन है मैंने किसको वीडियो को आप शेयर कीजिए दोस्तों चैनल को बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं मुझे पता है कुछ बच्चे इरिटेटेड भी हो जाएंगे बट आप इरिटेट हो भी जाओगे तो भी मैं बोलूंगा ठीक है मैं तो भी बोलूंगा घर में नहीं होते पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ ले पढ़ ले कई बार इरिटेशन होता है अभी तो पढ़ के बैठा हूं कहां पढ़ लू फिर भी अभी तो अरे सर अभी तो किया है अभी फिर से हाँ करना पड़ेगा मैं बार बार बोलूंगा दोस्तों बिकॉज हमारा एक नया परिवार है दोस्तों हमने स्टार्ट किया है दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू आपने बोला कि सर स्टार्ट करते हैं ठीक है भाई स्टार्ट करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सो so, आपके कहने पे दोस्तों स्टार्ट किया है और अभी जो है दोस्तों वी आर डिस्कसिंग द हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स विच आर वेरी मच रेलिवेंट फॉर द यूपीएससी एग्जाम मैं आपको दावा करता हूं दोस्तों ये जो टॉपिक्स हैं आर टॉपिक्स गोइंग टू बी लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम चाहे वो इस बार की बात हो चाहे नेक्स्ट ईयर की बात हो दीज टॉपिक्स आर गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस गोइंग टू दिस टॉपिक्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेन्स एग्जामिनेशन सो गाइज प्लीज जल्दी से फिर से वही बात कर दो शेयर ताकि मैं पढ़ाऊं आगे बढ़ू मैं है ना जल्दी से हम आगे बढ़ पाए चलिए 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 बहुत बढ़िया थैंक यू थैंक यू दीपक थैंक यू यार सभी लोगों का स्वागत है पावर स्टैंडिंग जबरदस्त जबरदस्त लगभग मेरे पुराने सभी छात्र जो हैं यहां पे हैं छात्र और साथ साथ में छात्राएं पर मैं चाह रहा हूं कि जो बचे हुए हैं वो भी आ जाए तो उसके बाद अपना स्टार्ट कर दें बाकी कल से मैं कोशिश करूंगा कल नहीं तो परसों से अपना जो रेगुलर कोर्स है जो हमने छोड़ा हुआ था वो हम स्टार्ट कर दें बस तो ये थोड़ा सा मोमेंटम है बिल्ड करना चाह रहा हूं मैं मैं चाह रहा हूं कि सभी बच्चे जो हमारे साथ आ सकें जुड़ सकें इसीलिए जो है हम यहां पर आप लोगों के साथ में है तो बार बार लगातार मैं सेशन कर रहा हूं लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जुड़े लगातार मेरी यही एक उम्मीद है कि आप जो फटाफट आओ सो दोस्तों डॉक्टर डॉक्टरबेंट के हम बारे में बात कर रहे हैं चलिए बात करते हैं दोस्तों नया बैच है आप लोगों को पता है जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो जिन बच्चों के पास है फटाफट जाइए जाके एनरोल कर लीजिए बाय यूजिंग और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है सिर्फ कल का दिन शेष है दोस्तों आज और कल कल परसों के बाद में प्राइस हाइक हो जाएंगे प्राइस रिवाइज हो जाएंगे ना आपके पास समय बचेगा ना मेरे पास सो जाके दोस्तों आज ही जाके चैनल को कर लो सब्सक्राइब आपको अनअकैडमी को कर लो सब्सक्राइब कोड रहेगा दोस्तों सुमित 10 सुमित 10 कोड आपको याद रखना है सो so, दोस्तों अभी टॉपिक है डॉक्टर विंड दिस इज बेसिकली द टॉपिक फॉर द यूपीएससी सीएससी और सुमित 10 अपना कोड रहेगा चलिए दोस्तों बात करते हैं दो अनाउंसमेंट बिग अनाउंसमेंट छोटी अनाउंसमेंट सब आपको पता है अब डॉक्टर विंड भी क्या है दोस्तों डॉक्टर विंड बी इज आल्सो काइंड ऑफ द विंड एक प्रकार की हवा तो है जिस प्रकार से हमने पढ़ा था आपका ब्लड रेन खूनी वर्षा के बारे में जिस प्रकार से हम पढ़ेंगे कैटाबैटिक विंड के बारे में चिनूक स्नो ईटर बर्फ को खाने वाली हवा के बारे में भी पढ़ाऊंगा उसी प्रकार से दिस विंड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट विंड बहुत जरूरी विंड है बहुत इंपॉर्टेंट विंड है डॉक्टर विंड डॉक्टर हवा ये डॉक्टर विंड क्यों कहलाती है क्या ये आपका इलाज करती है ऐसा है क्या मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप इसके सामने जाके खड़े हो जाए और आपको कोई भी बीमारी है वो सही हो जाए कहां है ये डॉक्टर विंड कहां पाई जाती है क्या है इसके पीछे की साइंस क्या है इसके पीछे का लॉजिक सभी चीजें हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा परंतु सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों ये है क्या दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ द विंड क्या है दोस्तों ये डॉक्टर विंड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ विंड और विंड है हवा है तो हवा कितने प्रकार की होती है दोस्तों मैंने आपको बताया था विंड सर्कुलेशन इज ऑफ थ्री टाइप तीन प्रकार का होता है सर प्राइमरी सर्कुलेशन सर आपका सेकेंडरी सर्कुलेशन एंड सर आपका टर्सरी सर्कुलेशन सो विंड सर्कुलेशन जो है इज ऑफ थ्री टाइप प्राइमरी सेकेंडरी एंड द थर्ड वन इज द टर्सरी सर्कुलेशन तीन प्रकार का मेरे पास विंड सर्कुलेशन होता है जो आपको ध्यान में रखना है जो आपको मद्देनजर ये बातें रखनी है अब ये कौन सा है दोस्तों तो ये जो आपका जिसके बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर विंड अब ऑब्वियस बात है डॉक्टर विंड जो है एक लोकल विंड की वजह से हो ये लोकल विंड है और ये कहा पाई जाती है बेसिकली ये पाई जाती है आपका गिनी कोस्ट ठीक है आपका गल्फ ऑफ ग्वाइना के आसपास दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द टर्शरी विंड ये तृतीय विंड के अंदर में आती है दोस्तों और जैसा नाम ये आपको बता रहा है डॉक्टर सो so इसीलिए दिस टॉपिक इज गोइंग टू तो बी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन डॉक्टर हवा नाम में ही खास बात है एंड दैट्स वाई यूपीएस गोना आस्क दिस टॉपिक आपसे पूछ

पहला हम बांटते हैं चार प्रकार से बांटते हैं देखो पहला हम कहते हैं लैंड ब्रिज ठीक है और दूसरी हम बोलते हैं आपका सी ब्रिज ठीक है हिंदी भाषा में क्या बोला हमने समुद्री समीर और स्थलीय समीर दूसरे नंबर पर सेकंड नंबर पर मेरे पास आता है दोस्तों वैली और माउंटेन ब्रिज कल पढ़ा था दोनों दोनों टॉपिक हां सर पढ़ाए थे वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज तीसरे नंबर पर क्या आया था थर्ड टॉपिक जो तीसरे नंबर पर हमारे पास टॉपिक था यहां पर वो हमने क्या अभी? वो हमने दोस्तों आपका विंड, या लीवर्ड विंड, या विंड, विंड वो हम बताएंगे और, और नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कंडीशन तापमान के आधार पर तापमान के आधार पर हमने देखा कौन सी विंड होती है दोस्तों मेरे पास वॉर्म विंड और दूसरी मेरे पास क्या होती है दोस्तों कूल विंड अभी बात हुई थी हमारी वार्म विंड के अंदर में एक सेगमेंट देखा था हमने गर्म हवाओं के केस में कौन सा देखा था यह देखा था है ना देखा था ना सिराको खामसीन चिली गिबली और ये ये सब की सब विंड जो है सेम है ठीक है आपको मैं बता दूं और यही वो विंड है जिसकी वजह से क्या होती थी ब्लड रेन है ना वी नो दैट हम ये जानते हैं नाउ देर इज अ टॉपिक विच इज नॉन एज द अभी हरमेटन पे हम आते हैं दोस्तों अच्छा इससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट आपका एक, एक, फिनोमिना है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा और वो क्या होता है दोस्तों ध्यान से समझिएगा मेरे साथ ठीक है अगेन मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों दिस इज अ टाइम जिसपे हमें कला का बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो करना है ठीक है दिस इज अ टाइम हमें जहां पर कला जो है वो बेहतरीन तरीके से दिखानी है दोस्तों और कला का हमें बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो करना है और वो हम अभी यहां पे करेंगे देखो कैसे करेंगे देखो ध्यान से देखना ध्यान से सुनना समझना बात को पूरी पूरे पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूं सो so, सबसे पहले मैं आपको यहां पर थोड़ा सा ठीक है तो ये कुछ है आपका ठीक है ये कुछ ऐसा ही है हमारे पास वर्ल्ड मैप है, है ना कुछ कुछ ऐसा ही है अच्छा अब एक बात बताओ ठीक है ये तो वर्ल्ड मैप है आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं अगर टेम्परेचर जो है ये ज्यादा है तो मैं टेम्परेचर का और दूसरी चीज है मेरे पास जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी आर्द्रता मैं दोनों का संबंध जानना चाहता हूं तापमान और दूसरी चीज जो है मेरे पास वो है आर्द्रता एक बार समझना मेरी बात को ठीक है दोनों चीजों का मैं संबंध जानना चाहता हूं डॉक्टर विंड को समझना है डॉक्टर हवा को समझना है तो आपको यह समझना पड़ेगा मेरे पास तापमान और आर्द्रता जो है ये क्या होती है और क्या इनका आपस में संबंध होता है दोनों चीजें आपको मुझे बतानी होगी ठीक है टेम्परेचर क्या होता है सर टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस कई बार बता चुका हूं मैं डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस कोई चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है उसको हम क्या बोलते हैं आपका उसको हम बोलते हैं आपका तापमान और ह्यूमिडिटी क्या होती है ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन टू द वॉटर प्रेजेंट इन टू द एयर देखो हवा में उपस्थित नमी की मात्रा जो है जलवाष्प की मात्रा जो है उसको हम क्या बोलते हैं आर्द्रता ठीक है आप समझना अगर मैं आपसे बोलता हूं कि टेम्परेचर का मुझे रिलेशन बताओ किसके साथ आपका ह्यूमिडिटी के साथ तो मैं बताऊंगा कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा टेम्परेचर भी क्या होगा इंक्रीज दैट मींस अगर आप इंक्रीज करते हो यहां से टेम्परेचर को सो ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज याद रखना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये क्या है दोस्तों सीधे रूप से संबंधित है अच्छा अगर ये सीधे रूप से संबंधित है तो एक छोटी सी चीज मेरे को आप और सभी बच्चे जो है यहाँ पे ध्यान देंगे बताएंगे मुझे क्या सर पूरी पृथ्वी के ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पर आपको पता होता है बताइए आपको क्या लगता है सर मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होता है ठीक है मैं आपसे पूछ रहा हूं एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या कि कहां पर होता है पूरी पृथ्वी पर मैक्सिमम टेम्परेचर और क्यों होता है मैक्सिमम टेम्परेचर उसके पीछे का मेरे को आपको जो है लॉजिक वो आपको बताना है ठीक है सो हेयर दिस इज जीरो डिग्री ये है मेरे पास ट्वेंटी थ्री एंड हाफ नॉर्थ दिस इज ट्वेंटी थ्री एंड हाफ साउथ ज्योग्राफी के अंदर ना डायग्राम दोस्तों मतलब दिमाग में होते हैं हमेशा मतलब कोई भी अच्छा और इनोवेटिव डायग्राम आप बहुत जल्दी बना सकते हो वैसे तो लॉजिक तो सेम होता है बट अपना अपना तरीका होता है उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने का आपकी एक्सप्लेनेशन कितनी अच्छी होगी कितनी अच्छी आपकी एक्सप्लेनेटरी पावर होगी आपके एग्जाम में वही डिसाइड करेगा कि आप उस एग्जाम में सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे मैंने आपको बताया कि जीरो ट्वेंटी थ्री हाफ ट्वेंटी थ्री हाफ साउथ नॉर्थ इस एरिया के बीच में सन की रेज मैक्सिमम होती है मैंने आपको बताया था यहां पर और यहां पर यहां पर कब कब सूर्य होता है सूरज की लोकेशन हमने बकायदा बात की थी ठीक है बात याद हो तो आप बताना नहीं हो तो मना कर देना सूर्य यहां होता है कब दोस्तों जून के अंदर सन यहां होता है कब जून के बाद सितंबर यहां कब चला जाता है दिसंबर उसके बाद यहां कब चला जाता है दोस्तों आपका दोबारा से मार्च और फिर से ये पूरा साइकिल जो है आपका स्टार्ट हो जाता है जून यहां पर फिर से कब जाता है आपका सितंबर और फिर से यहां कब आ जाता है दोस्तों दिसंबर तो सन जो है मैक्सिमम टाइम इधर ही रहता है तो मैंने आपको पहले भी बताया दिस एरिया इस एरिया में हमारे पास इंसोलेशन क्या है दोस्तों इंसोलेशन क्या होती है सर आपतन कितना प्रकाश सूर्य का पृथ्वी तक पहुंचता है उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन सो इस एरिया में इंसोलेशन जो है दोस्तों वो क्या है वेरी हाई इंसोलेशन क्या होता है ज्यादा इस एरिया के अंदर आपतन क्या होता है ज्यादा होता है इसके ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों इंसोलेशन बात करें तो वो क्या होता है दोस्तों लो होता है और यहां पर भी अगर मैं बात करूं आपका सो इन दिस एरिया आल्सो द इंसोलेशन इज आल्सो लो यहां पर भी इंसोलेशन क्या होता है आपका लो हमारे पास होता है ये बात समझ में आ रही है नाउ ऑन दिस बेसिस वट वी कैन से दैट वी कैन से दैट एट द इक्वेटर ठीक है At equator, अगर मैं आपसे पूछू कि बताओ ऑन प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपको मुझे बताना है जीरो डिग्री तो पर पूरे साल के अंदर में जीरो डिग्री पर सन कितनी बार आता है दोस्तों दो बार परपेंडिकुलर आता है यस और नो गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं आपको बताना है दोस्तों हाउ मेनी टाइम सन इज परपेंडिकुलर और जीरो डिग्री एक साल में सूरज कितनी बार जीरो डिग्री और उसके आसपास रहता है दोस्तों यहां पर रहता है सर टू टाइम यहां पर होता है सर वन टाइम यहां पर भी वन टाइम तो मैक्सिमम तापमान कहां होगा जहां सन की रेज सबसे ज्यादा होती है और मैक्सिमम टाइम के लिए होती है तो सन की रेज मैक्सिमम टाइम कहां है दोस्तों ऑन इक्वेटर जीरो डिग्री पे सो अनडाउटली वी कैन से दैट दैट वी हैव अ हाई टेम्परेचर जोन एट दिस पर्टिकुलर एरिया

Insulation. And insulation, जो है, उसका मतलब होता है तन, तो यहां पर सूरज की क्या मिलेगी दोस्तों आर्द्रता भी क्या होगी दोस्तों ज्यादा मिलेगी अच्छा एक बात बताओ ये अधिक आर्द्रता का मतलब क्या है किस एरिया में आप आर्द्रता फील करते हो टाइम पे फील करते हो आप मुझे बताओ

ठीक है बारिश होने से जस्ट पहले का टाइम याद करो कितनी उमस होती है वो उमस क्यों होती है बिकॉज ऑफ द हाई ह्यूमिडिटी देखो टेम्परेचर तो आपका अगर मैं बात करूं ना मई और जून में सबसे ज्यादा होता है टेम्परेचर हाइएस्ट टेम्परेचर होता है मई के अंदर जून के स्टार्टिंग में लेकिन जब मानसून आता है गर्मी उसके बाद लगनी शुरू होती है गर्मी सबसे गंदी कब लगती है जुलाई के अंदर अगस्त के अंदर क्यों चिपचिप -चिप होती है सर और जब जुलाई अगस्त में चिपचिप -चिप होती है मतलब हवा में नमी होती है और जब एयर के अंदर में ह्यूमिडिटी हाई होती है तो उसके अंदर जो हमारे वायरस का लोड है एयर के अंदर ठीक है वायरस लोड जो होता है वो भी क्या हो जाता है दोस्तों इंक्रीज हो जाता है ठीक है इस समय पर जो बैक्टीरिया जो होता है आपका बैक्टीरिया के लिए आइडियल कंडीशन टू थ्राइव ठीक है इसीलिए आपने देखा होगा डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया ये बीमारियां कब फैलती हैं दोस्तों आपका दिस ऑल बीमारियां फैलती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन है ना मानसून के बाद ही तो आती है मानसून लेके आता है इनको इवन कोरोना जब था तो भी ये बात बोली जा रही थी कि भाई रेनी सीजन आ गया और ऐसे समय पर बीमारी ज्यादा फैलेगी क्यों बिकॉज द ह्यूमिडिटी इज द आइडियल कंडीशन टू थ्राइव अ बैक्टीरिया और अ वायरस किसी भी वायरस को जो एयरबोर्न है ठीक है जो हवा से फैलता है

चाहे वो आपका फिर ठीक है कोई और वायरस हो ठीक है जिसको जीका वायरस जिसमें माइक्रोसेफेली सर छोटा निकलता था इबोला वायरस हो ठीक है डेंगू हो चिकनगुनिया सारी की सारी बीमारी यही अफ्रीका और साउथ अमेरिका के जंगलों से आती है कभी सुना है कि आपका रशिया से आपका रशिया में पांच केस मिले हैं डेंगू के चिकनगुनिया के इबोला के नहीं बिकॉज वहां कंडीशन ही नहीं है हवा में ह्यूमिडिटी नहीं है बैक्टीरिया थ्राई भी नहीं कर पाता वैक्टरबॉन डिजीज वैक्टरबॉर्न क्या होता है देखो जो ये बैक्टीरिया होते हैं ना इनको वायरस इनको वाहक की जरूरत होती है वैक्टर की जरूरत होती है और वो वैक्टर कौन होता है दोस्तों मच्छर मच्छर फैलाता है इन बीमारियों को सो जो वैक्टरबॉर्न डिजीज है जो मच्छरों से फैलते हैं तो मच्छर तो तभी होंगे ना जब बारिश होती है सो इसीलिए जो ह्यूमिडिटी है दैट इज आइडियल कंडीशन टू थ्राइव द बैक्टीरिया और इनके लिए बीमारी को स्प्रेड करने का टाइम भी यही होता है इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों आपका जितने बीमारी है कोई भी बीमारी हो वैक्टर और आपका जो बैक्टीरिया बेसिस बीमारी सारी की सारी यहीं से उत्पन्न होती है ठीक है इक्विटोरियल रीजन से क्यों भाई कोई गोदाम लगा रखे मैंने यहां पर इक्विटोरियल रीजन से होती है उष्ण कटिबंध से होती है जितनी भी बैक्टीरियल बीमारी है सबका उत्पत्ति यहीं से होती है इबोला वायरस हो गया ये वायर सब यहीं से उत्पन्न होते हैं क्यों भाई ये जो नेशंस हैं आपके ठीक है चाहे वो आपका साउथ अमेरिका का पार्ट हो चाहे ये पार्ट हो चाहे ये पार्ट हो कोई गधी का हाथ लगा रखा है इन्होंने क्यों होती है बिकॉज ऑफ द हाई ह्यूमिडिटी बिकॉज ऑफ द हाई ह्यूमिडिटी यहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है यहां पर आर्द्रता ज्यादा है ठीक है आर्द्रता क्या है अधिक है और इसी अधिक आर्द्रता की वजह से हेयर आइडियल कंडीशन आपका आपकी प्रेजेंट करती है किसके लिए फॉर द वैक्टरमॉन डिजीज जो मच्छरों से या वाहक के द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं उनके लिए ये आइडियल कंडीशन है इसीलिए मैं आपको बताऊं, यहाँ के लोग ना बहुत बीमारियों से सफर करते हैं बीमार रहते हैं अच्छा एक बात और बताओ जब ज़्यादा पसीना आता है तो हीट लॉस ज़्यादा होता है हीट लॉस ज्यादा होता है तो फिर क्या होगा बताओ हीट लॉस जितना हीट लॉस होगा उतनी ही आपकी वर्क एफिशंसी कम होगी है ना सो so, इस इलाके में जितने भी लोग रहते हैं ना वो बेचारे गरीब और बीमार टाइप के लोग हैं काम कर ही नहीं पाते क्योंकि गर्मी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है आदमी लेकिन जो उमस है वो बर्दाश्त नहीं होती इसीलिए इस एरिया में आपका गरीबी पाई जाती है क्यों गरीबी पाई जाती है बिकॉज ऑफ द कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी है भाई यहाँ के लोग जो है जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो उतना अच्छा नहीं होता बीमारी ज्यादा होती है ठीक है और इसी वजह से किसकी वजह से बिकॉज ऑफ द हाई ह्यूमिडिटी ज्यादा बीमारी होती है यहां पर पहली बात है ना इस दिस एरिया हम अगर मैं बात करूं इस एरिया के अंदर मैं ऊपर लिख रहा हूं इस एरिया के अंदर अगर हम बात करें पहली बात तो एक तो हाई मोर्बिडिटी होती है हाई मोर्बिडिटी मोर्बिडिटी को बोलते हैं बीमारी ज्यादा बीमार होते हैं लोग साथ साथ में वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है ठीक है वर्किंग कंडीशन है नहीं अच्छी

आपके सामने दोबारा से लेके आना चाहूंगा आपको मैं दोबारा से कहूंगा कि कला का बेहतरीन प्रदर्शन देखो ऑलवेज कला का बेहतरीन प्रदर्शन करना आपके लिए अनिवार्य है बिकॉज आप हैं ज्योग्राफी के छात्र और ज्योग्राफी के साथ साथ आप हैं सुमित राठी के छात्र है ना सो आपका मैप जो है वो बहुत ही आपका क्या होना चाहिए दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है वो होना चाहिए अभी बताया था जस्ट यहां पे है ना थोड़ी देर पहले हमारी यहां पे बात हुई थी कि यहां पर दोस्तों एक रीजन है एक क्षेत्र है दोस्तों जहां पर इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों सहारा डिजर्ट. कैसा रीजन है दोस्तों वॉर्म ठीक है अब इस वार्म डेजर्ट से थोड़ी देर पहले अपनी बात हुई थी ऊपर भी हवा जाती है और नीचे भी हवा जाती है यहां से जिस प्रकार से आपकी ऊपर विंड जाती थी याद है आपको लेविच क्या थी जल्दी बताओ लिविच थी ये तो उसके बाद में अभी जस्ट पिछले टॉपिक में हमने किया था जस्ट पिछली वीडियो है नहीं देखी है तो जाके देख लो यहां पर है, लिविच, यहां पर है क्या सिराको यहां पर है चिली गिबली खामसिन जिस प्रकार से ऊपर ये विंड जाती है ना सिमिलरली इन द सेम मैनर एंड द सेम फैशन ये विंड जो है आपका इस रीजन से उठ के नीचे की ओर भी आती है यहां पर यहां पर इस इलाके को हम क्या बोलते हैं दोस्तों ये जो तट है मेरे पास दिस तट इज गोइंग टू बी नॉन एज द गिनी कोस्ट इसको हम क्या बोलते हैं गिनी कोस्ट गिनी तट यह हवा यहां पर भी आती है अब समझना इसी रीजन को मैं थोड़ा सा यहां पर अलग से बता रहा हूं आपको ये जो है यहां से जब ये हवा आती है आपका नीचे की ओर यहां से सहारा डेजर्ट से जब आएंगे नीचे से तो ये विंड कैसी होगी दोस्तों पहली बात तो वॉर्म होंगी है ना गर्म अब सहारा डेजर्ट से गर्म होती है लेकिन मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी के तो ज्यादा होती है लेकिन क्या इसमें नमी होगी नहीं तो वॉर्म होगी ड्राई होंगी और डस्टी सो ये हवा गर्म ड्राई और डस्टी होती है इस हवा को नाम हम देते हैं दोस्तों हरमेटन इसका नाम क्या होता है दोस्तों हरमेटन अगर आपने ध्यान दिया हो यहां पर तो सबसे नीचे एक हवा थी हरमेटन जो गिनी कोस्ट गिनी तट की ओर बहती है मैं इसी हवा की बात कर रहा हूं दोस्तों जब यह हवा यहां से इस डेजर्ट से इस इलाके की ओर आती है तो ध्यान देना पड़ेगा आपको यह हवा कैसी है दोस्तों वार्म ड्राई एंड डस्टी ड्राई है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों ये ड्राई ड्राई का मतलब क्या है शुष्क है सर शुष्क और गर्म हवा की कैपेसिटी क्या होती है ज्यादा होती है मॉइस्चर को अटेन करने की तो जैसे ही हवा इधर आएगी दोस्तों इधर अब इक्विटोरियल एरिया है इक्विटोरियल एरिया है तो दोस्तों हाई टेम्परेचर होता है यहां पर और साथ साथ में ह्यूमिडिटी भी क्या होती है हाई उमस भी क्या होती है दोस्तों अधिक होती है और इस अधिक उमस की वजह से यहां पर बीमारी भी ज्यादा होती है जिसको मैं बोल सकता हूं हाई मॉर्बिडिटी बीमारी नहीं बोलोगे एक अच्छा वर्ड इस्तेमाल करोगे दोस्तों मॉर्बिडिटी ज्यादा बीमारी होती है अब होता क्या है जब ये हवा इधर से इधर चलने लगती है यहां के लोगों के लिए रिलीफ होता है क्या होता है जैसे ये इधर एयर चलती है तो यहां की हवा के अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है यहां की जो एयर है ना उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है ये विंड आती है उसको खा जाती है ईट कर जाती है तो दिस विंडे दल द मॉइस्चर प्रेजेंट इन दिस एरिया जितना भी यहां की हवा में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको खा जाती है जाती है उसकी नमी जो होती है उसको खा जाती है और इसी वजह से यहां के लोगों को राहत मिलती है अब गर्म हवा आई है सारा अच्छा एक बात बताओ गर्मियों में मच्छर तो बहुत होते हैं लेकिन जैसे ही लू चलने लगती है उत्तर भारत में मच्छर क्या होते हैं खत्म हो जाते हैं ना मर जाते हैं मच्छर जितनी धूप पड़ती है मच्छर होते ही नहीं है तो ऐसा ही होता है जब ये गर्म हवा यहां पे आती है तो पहली बात तो वाष्पीकरण की दर इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है सबसे पहले बात करूंगा मैं तो क्या होगा एवेपोरेशन जो है आपका उसका रेट जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है अच्छा आप कहोगे सर इवेपोरेशन बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी और बढ़ जाएगी नहीं वाष्पीकरण जब भी होता है दोस्तों तो इमीडिएट क्या होती है कूलिंग तो इस इवेपोरेशन की वजह से क्या होती है यहां पर कूलिंग ठंडक होती है साथ ही साथ में अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां पर जो वेक्टर है वो भी मर जाते हैं बीमारी जो है हवा में वायरस है वो भी मर जाता है इसी वजह से लोगों को बहुत राहत होती है एंड दैट्स वाई दिस हरमेटन इज ऑल्सो नोन एज डॉक्टर विंड इस हरमेटन को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों भाई हम कहते हैं कि तो डॉक्टर हवा है ठीक है दैट्स वाई डॉक्टर विंड so, याद रहेगी डॉक्टर विंड क्यों बोलते हैं इसको बिकॉज दिस इज अ बॉम ड्राई इंडस्टी विंड विच कम्स फ्रॉम द सहारा डेजर्ट टूअर्ड द गिनी कोस्ट ड्यूरिंग दियर जनरेशन बिकॉज दिस विंड इज ड्राई इंडस्टी क्योंकि हवा शुष्क होती है और प्यासी होती है जैसे इधर आती है द हाई ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द इक्विटोरियल एरिया उसको एक खा जाती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है उसकी वजह से यहाँ पर एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है लोगों को राहत मिलती है प्लस हवा के अंदर जितना भी वायरस है जितनी भी बीमारी है वो सारी मर जाती है और इसी वजह से हम क्या बोलते हैं दोस्तों कि ये जो इलाका है हमारा ये दोबारा से अच्छा हो जाता है दैट्स वाई दिस एयर इज नॉन एज नॉन एज द हरमेटन सो so, हरमेटन जो है ये जो है इसी को हम क्या बोल देते हैं आपका डॉक्टर विंड तो अगर आप देखो ध्यान से तो ये सारी विंड एक ही है अगर मैं आपको बताऊं ना तो कुछ नीचे जाती है। वालियों का नाम मैंने पिछले लेक्चर में बताया वीडियो आपके पड़ी है यूट्यूब चैनल पे है जाके वीडियो में देखोगे तो आपको मिल जाएगी और डॉक्टर विंड नीचे वाली को बोलते हैं दैट इज ऑल्सो नोज द हरमैटन क्यों इसको हर बोलते हैं क्यों इसको डॉक्टर विंड बोलते हैं वो भी मैंने बता दिया बिकॉज इट इट गिवस द रिलीफ टू द

के यहां के मॉइस्चर को खत्म करती है साथ ही साथ गर्म होती है तो यहां की हवा में उपस्थित जितना भी बैक्टीरिया है वो मर जाता है अब बैक्टीरिया मर जाएगा तो बीमारी कम होगी और बीमारी को कम करना काम होता है डॉक्टर का दैट्स वाई दिस इज एज द डॉक्टर विंड ठीक है क्लियर है दोस्तों कमेंट बॉक्स में अगर क्लियर है तो आपका जो है मुझे जो जवाब है वो चाहिए जल्दी से फटाफट से जवाब बताइए दोस्तों जल्दी से बताइए जवाब अगर आप लोग सहमत हैं समझ में आ गया तो आपका कमेंट बॉक्स में आपके थम्सअप का मैं इंतजार कर रहा हूं दोस्तों जल्दी से फटाफट से थम्सअप करेंगे हाँ जल्दी से फटाफट बताइए दोस्तों सुरेश कुमार मीना पीडीएफ मिल जाएगा यार पीडीएफ मिल जाएगा डोंट वरी अबाउट दैट पीडीएफ मिल जाएगा आई शेयर द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल डोंट वरी रिपोर्ट ओके okay की कर दो भाई ओके okay की रिपोर्ट है सर तो मुझे पता चल जाए अच्छा यार एक बार फटाफट से शेयर कर दो और लाइक कर दो वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग दोस्तों फटाफट से वीडियो लाइक करो यार इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एक बार प्लीज यार रिक्वेस्ट है जल्दी से वीडियो को क्या कर दो लाइक कर दो शेयर किया करो मैक्सिमम ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये मैक्सिमम लोगों तक ये जाए है ना और परिवार हमारा बड़ा हो और जल्द से जल्द हम अपना कोर्स जो है डेली रूटीन वाला वो हम स्टार्ट कर सकें ठीक है ना सो so, एक बार फटाफट से कर दोगे क्या शेयर कल दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं हमारे साथ आने वाले हैं यूपीएससी दो के टॉपर मैं चाहता हूं आपके सवाल में उनसे करूं

क्या वो मुझे जो है वो करना है जो आपके लिए मैं कर सकूं तो जल्दी से आप लोग मुझे बताओगे है 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 ना बाकी यार वीडियो अपनी लाइक करना है, करना करना शेयर चैनल को सब्सक्राइब ग्यारह बजे दोबारा मिल रहे हैं एक नई uh, टॉपिक के साथ दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द लोकल विंड बट अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉपिक का नाम होगा आपका दोस्तों कैटाबेटिक विंड सो कैटाबेटिक विंड ठीक है क्या होती है और लीवर विंड्स क्या होती हैं वॉर्म कैटामेटिक विंड्स क्या होती हैं चिनोक्स चिनूक्स, स्नो स्नोईटर किसको हम बोलते हैं स्नो ईटर फॉन क्या खासियत है इनकी किस प्रकार से इन्हीं हवाओं के वजह से एग्रीकल्चरल जो है एक्टिविटी जो है वो हो पाती है रॉकी एंडीज और अल्प्स के इलाकों में सारा टॉपिक मेरे साथ देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यों बोलते हैं चिनूक अच्छा चिनूक जो है एक हेलीकॉप्टर का भी नाम भी है जो यूएस जो आपकी आर्मी है और यूएस नेवी जो है वो इस्तेमाल करती है क्या वजह है उसकी किसका नाम चिनुक रखा क्या खास बात है जो इसका नाम आपने चिनूक रखा किस प्रकार से बर्फ को खा जाते चिनूक का मतलब होता है स्नो ईटर बर्फ को खाने वाली सारी चीजें मेरे मेरे साथ जानेंगे दोस्तों आप और कब जानेंगे दोस्तों 11 बजे सो so, 11 बजे दोबारा मिलते हैं दोस्तों यहीं पर इसी चैनल के ऊपर जोग्राफी वन ओ वन सो दोस्तों बने रहिए चैनल को लाइक करना है शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मैक्सिमम बच्चों तक दोस्तों ये चैनल जो आपका जो ये टॉपिक है और ये चैनल जो है वो पहुंचना चाहिए ये जिम्मेदारी अब आपकी है ऑन दिस नोट इजाजत दीजिए